अ वेरी गुड मॉर्निंग, की हाल चाल? सत श्री अकाल। एंड आई एम रेडी नाउ, मैं रेडी हूँ और मैं इस होटल के अंदर कैद भी हूँ। ये होटल जो है ना, इस होटल के अंदर मैं कैद हूँ पिछले 2 दिन से, क्योंकि मैं आया हूँ बैंगलोर में। सो बैंगलोर में क्यों आया हूँ मैं ऑफिस का कोई काम से आया था, एंड टुडे संडे। सो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत घूमा जाए, बिकॉज एज यू ऑल नो, आई एम अ राइडर, आई एम अ ड्राइवर, आई एम ऑलवेज अ टूरिस्ट बाई हार्ट। मैं नया नया जगह, नया नया लोकेशन एक्सप्लोर करने का मुझे बहुत मजा आता है। तो दैट्स द रीजन आज मैं अपना एक ओल्ड डेस्टिनेशन जो है, विच इज कॉल्ड अवनी बेटा, तो वहां पे आज जाने का कुछ सोचा हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग अलोन, आई विल शो यू विथ हुम आई एम गोइंग। सो इस होटल में रहते 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 हल्का सा बोर मार रहा था, सो आई थॉट कि चलो थोड़ा बहुत निकलते। सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलो आज निकलते, अभी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आना है, होटल चेकआउट करना है, शाम को फ्लाइट पकड़ के घर जाना है दिल्ली। तो ये सारे काम लेके आज मैं निकला हूँ मैं। एंड संडे है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज उठाएंगे और वापस आएंगे। आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, एंड दिस वीडियो मेकिंग ऑब्वियसली इन माई मोबाइल फोन, क्योंकि मैं अपना कैमरा DSLR वगैरह कुछ भी नहीं लाया हूँ यहाँ पे। ऐसे ही घूमने आया था कल शाम को, ऐसे ही एक मस्ती मस्ती में प्लान बन गया। तो चलो लेट्स गो टू अवनी बेटा। ये आगरा लेक के ऊपर का ये है, एंड यहाँ पे एक टेम्पल है जो जगन्नाथ टेम्पल, एंड उसके साथ साथ हनुमान जी जो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। जय बजरंग बली, हमारे दिन और सबको रक्षा करना। सो ये जो सनलाइट है ना, ये सनलाइट के लिए मैं एक्चुअली जनरली कैमरा ऑन किया। सनलाइट मुझे इतना अच्छा लगा, सुबह सुबह जो बोलता है ना, द ब्राइट सन का हल्का हल्का सन रेज। एंड वी आर ऑफ टूवर्ड्स द बेलंदूर, यहाँ से बेलंदूर, बेलंदूर से वाइट फील्ड होते हुए हम निकल जाएंगे कोलार हाईवे पे। ऑलमोस्ट अराउंड 40-50 किलोमीटर हो गया है, सामने पुल बार है। इसको क्या होता है, पुल कैचर ना कुछ बोलता है, पुल का। अरे कहीं पे खाना खाना था, विष्णु रेस्टोरेंट चला गया, आगे नंदी उपहार मिलेगा। अपना साथ है माइकल शुमाकर, जो गाड़ी स्टीयरिंग हाथ में मिलता है, ऐसा भगा रहा है, लग रहा है कि हम इसमें बैठे हैं, बॉडी A6 में बैठे हुए। सो गाइस, वी हैव डन ऑलमोस्ट अराउंड 50 किलोमीटर्स, और यहाँ से कुछ आगे जाके ना एक राइट टर्न आएगा आफ्टर अ कोलार, जो अभी GPS मैप पे डाल दूंगा। सो फार आई रिमेम्बर, आई नो दैट्स अ राइट टर्न एंड विच गोज टूवर्ड्स अ विलेज रामलिंगा टेम्पल तक। तो यहाँ पे कहीं पे आई वॉन्ट हैव सम टी एंड ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, हैव सम वड़ा, जाना इडली वड़ा। एंड आज का वेदर बहुत अच्छा है, सनशाइन इज वेरी नाइस, द रोड इज वेरी क्लीन, नीट। कहीं पे भी आज 120 में भगा रहा है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे नंदी ग्रैंड पे, देखते हैं क्या क्या मिलता है, इडली वड़ा सांभर कुछ भी, समथिंग विल हैव। वेदर बहुत अच्छा है, ये हाईवे में बहुत मज़ा आ रहा है आज। एंड पीपल इन जंग, आई सॉ लॉट ऑफ सुपर बाइक्स ऑन दिस रोड, जनरली इस रोड पर दिखता ही है। चलो अंदर जाते, कुछ ऑर्डर देते खाने पीने का, विल हैव सम फूड इनसाइड। यहाँ से हाईवे जो मेन हाईवे, कंटिन्यू फॉर 6 किलोमीटर्स, ओके आंटी, यहाँ से सीधा ये विलेज है, एंड दिस विलेज विल टेक यू टू अवनी बेटा, 6 किलोमीटर आगे, 6 किलोमीटर्स। ओ रीच आ पापा, अंत इनको मंदिर वहाँ तक। सो फाइनली दिस इज द रामलिंगा टेम्पल रीच आर रीच। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्किंग किया था, एंड द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल वुड बी समवेयर फ्रॉम देयर। लव कुश का बर्थ प्लेस है, एंड इट्स वेरी हिस्टोरिकल। टेम्पल में कुछ तो रेनोवेशन हो रहा है, एक्चुअली सम रेनोवेशन तो हैपनिंग इन द टेम्पल। यहीं पे गाड़ी पार्क करके दिस एंट्रेंस, आई नाउ आई रिमेंबर। यस, चलो आगे दिखाते हैं रामा लिंगेश्वरा टेम्पल। लेट्स रीड द हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल। हिस्ट्री क्या बोलते हैं, रामा लिंगेश्वर। यस, अब याद आ गया है टेम्पल का।
ये सुब्रमण्य टेम्पल है, सुब्रमण्य टेम्पल। ये तो मतलब ये जो हिस्ट्री है ना, द हिस्ट्री सो रिच हियर दैट गंजी मंडपा, दिस इज गंजी मंडप। दीज आर द स्कल्पचर्स मैन, मतलब जो देख के भी इतना आश्चर्य लगता है, अजीब लगता है, अच्छा भी लगता है। मतलब ये तो अभी काफ़ी सारे मतलब यूट से इट इज़ गोइंग अंडर रेनोवेशन, क्योंकि ये मंदिर ना ये रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जा रहा है। दिस इज़ प्रिटी ओल्ड, दिस इज़ मोर देन 1000 ईयर ओल्ड, एंड ये जो श्राइन का जो ऊपर वाला टॉप है ना, ये रखने में मुश्किल पड़ जाए, तो कभी कभी टूट जा रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर नया वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। सो ये है, एंड कितना कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाऊं स्क्रिप्ट्स जो है ना, सो दिस समथिंग रिटन, एक्चुअली पूरा लिखित है, लिखा हुआ है कुछ जो पढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये जो स्कल्पचर्स किया हुआ है, जस्ट इमेजिन कितना सुंदर है देखने में। ये तो थोड़ा बहुत रेनोवेट किया है, यहाँ पे ब्रिक वॉल जो उतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं। सो लेट अस हैव अ राउंड, पूरा टेम्पल घूमते हैं, फिर अंदर अंदर मंदिर के अंदर अंदर जाएंगे। एंड यहाँ पे भी सीधीज ऑल, अभी देखो दिस इज रामालिंगेश्वरा, रामालिंगेश्वरा एंड रामालिंगेश्वरा स्लाइन इज अ प्लान। ये जो बाहर हमने पढ़ा था ये देखना है तो टेक अ प्रिंट स्क्रीन, आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे लक्ष्य, बाप रे बाप, लक्ष्मण लिंगेश्वरा श्राइन, ये भी इसके बारे में। दिस अ 10th century AD, जस्ट इमेजिन 10th century, मतलब आज से कुछ तो 1200 साल पहले का है, 1200 साल पहले, अभी चल रहे 22 सेंचुरी, 10 सेंचुरी को बना है, एग्जैक्टली 1200 साल। एंड दिस इज शत्रुलिंगेश्वरा श्राइन। यहाँ पे एक शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग, पता नहीं क्यों इतना अंधेरा करके रखा है, लाइट नहीं चल रहा है, शिवलिंग देख रहा, बट मेंटेन नहीं है, अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, डार्कनेस है। यहाँ पे भगवान का मूर्ति एक है, जय भगवान जी नो, और बहुत ज़्यादा बैट्स का स्मेल आ रहा है, नॉट मेंटेन एट ऑल। एक चीज़ यहाँ पे आके देखने को ना जो समझ में आता है, इज दैट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ नॉट देयर। मैं ये वाला मंदिर के अंदर गया था, बैट्स का स्मेल आ रहा है, वो भी शिवलिंग है, शिवलिंग, हम शिवलिंग में इतना मतलब अच्छा मेंटेनेंस नहीं है, बैट्स का स्मेल आ रहा है, लग रहा है कम से कम सैकड़ों साल हो गया कि अंदर नहीं गया। और ये जो मंदिर के अंदर जो बैट का स्मेल आता है, इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शाइन। एनीवे दिस विघ्नेश्वरा टेम्पल, तो लॉर्ड विघ्नेश्वरा यहाँ पे विराजमान करते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, ये अपना गणपति बप्पा है, तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, तो ये गणपति बप्पा का ये है, भगवान जी है गणपति बप्पा, तो दैट इज़ कॉल्ड विघ्नेश्वरा टेम्पल। एंड जो मैं बात कर रहा था ना, गवर्नमेंट का एड इसलिए नहीं है ना, ये सब देखो टेम्पल को ठीक रखने के लिए ना, इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज दिस इज 1200 ईयर्स ऑफ एज, इसको मेंटेन करना, ये करना, इट्स वेरी टफ। एंड एक बार हिस्ट्री ख़त्म हो गया, टेम्पल गिर गया, हिस्ट्री ख़त्म हो गया, तो ख़त्म, दैट्स इट, इट्स ऑल ओवर देन। सो आप लोग जब भी रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप लोग कभी भी अगर इस तरफ आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, कोई भी टेम्पल आ रहे हो, ट्राई टू गिव समथिंग फ्रॉम योर साइड, सो दैट इट हेल्प्स द टेम्पल अथॉरिटी टू रिस्ट्रक्चर देम, नहीं तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ख़राब हो जाएगा, दिस जस्ट इमेजिन मतलब। एंड खास करके मैं एक और चीज़ बताऊँगा, प्लीज़ डोंट डू इट, टेम्पल में ऐसे चढ़ के इधर जाके प्रदीप लव्स मेघना, इज़ दैट सो मच रिक्वायर्ड टू राइट इन अ टेम्पल, आई डोंट थिंक सो। प्यार जो होता है वो दिल में होता है, लिख के नहीं होता है। सी रवि कुछ तो है,
गाइस दिस इज सीरियस थिंग इन आवर लाइफ. दिस इज अ मोनूमेंट विच वी वॉन्ट टू कीप इट फॉर आर नेक्स्ट जनरेशन टू कम एंड सी. एटलीस्ट वी आर लकी टू सी इन दिस जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन तक तो रखते हैं ना इसको. तो अगर भरतेश्वर श्राइन, ये भी भरतेश्वर श्राइन है. यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे शिवलिंग है. जय शिव जी. एंड ऊपर चल के हम लोग देखते हैं. यहाँ पे ये थोड़ा सा मेंटेन्ड है. ये भी शिव जी का ही है. तो इसका दरवाज़ा तो खुला हुआ ही है, बट फिर भी अंधेरा है. मुझे अंदर जाने के लिए खुद अजीब सा लग रहा है. यहाँ पे भी बैट का स्मेल है. एंड दिस सीम्स कि वी आर एक्चुअली नेग्लेक्टिंग आवर नेशनल मोनूमेंट्स. ये दिस आई डोंट नो इफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल इज सीइंग माय वीडियो और नॉट. अगर देख रहे हो तो यार लेट्स रिस्पेक्ट द नेशनल हिस्ट्री. ये ऐसा टेम्पल ना सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर बाहर कंट्री में होगा, बट हमारे कंट्री में तो यही है. तो लेट अस प्रोटेक्ट दिस एज अ नेशनल मोनूमेंट. या फिर चारों तरफ. आई रिमेम्बर जब पापा के साथ आए थे, पापा यहाँ से गिर गए थे कुछ, तो बिकॉज नो ये दिख नहीं रहा था, तो वो गिर गए थे शायद यहाँ से ना कहीं से. वाली एंड सुगामा टेम्पल. यहाँ पे कितना सारा देखो लिंगवेश्वर है. सारे शिवलिंग चारों तरफ है. दिस इज सो नाइस. एंड यस वाली एंड सुगामा टेम्पल. यहाँ पे लिंगेश्वर टेम्पल है, तो ये भी एक शिवलिंग ही होगा. यस दिस इज शिवलिंग ओवर हियर इनसाइड. और यहाँ पे आपको ये दिखेगा वाली एंड सुगवीरा टेम्पल. ये भी आपका लिंग है, शिवलिंग है. तो दिस इज मेनली अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा. और हम अभी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे. There's a 45 minutes of trek which takes you up exactly on the hill top. वहाँ पर जाने का कोशिश कर. There's a very nice air जिसको होता है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के. इतना शांति मैं कहीं नहीं देखा हूँ. सो जब भी मतलब दिस में सेकेंड टाइम है यहाँ पे आ रहा हूँ मैं. एंड फील सो नाइस. ये नव भगवान बोलते हैं. दिस नाइन गॉडेस ओवर हियर. तीन तीन छः तीन नौ. एंड टेंपल का कुछ आप लोगों को कुछ ऐसा दिखा दिया कि पूरा राउंड मार के देख लिया हमने. ये जो श्राइन है दिस अ वेरी ओल्ड श्राइन. एंड इट इज सुपर्ब. मतलब मुझे तो खास करके बहुत अच्छा लगा.